अस्सलाम वालेकुम यार दोस्तों, आज मैं नौजवानों के लिए एक ऐसा नुस्खा लाया हूँ, अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो आप जो है अपनी वाइफ के साथ खूब इंजॉय करेंगे, आपका टाइमिंग बहुत अच्छा रहेगा, आपके उज़्वे खास में हार्डनेस आएगी और आपको आपकी वाइफ को बहुत मज़ा आएगा। ये एक लाजवाब किस्म की चीज़ है और उम्मीद है कि आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। करना यह है कि गोंद का तीरा और गोंद कीकर को आप थोड़ा सा मामूली सा तेल डाल के, जैतून का, इसको ब्राउन कर लेंगे किसी बर्तन में, फ्राई पैन में। ब्राउन करने के बाद इसको ग्राइंड कर लेना है, ग्राइंड करें और इसका जितना ये वज़न हो उतनी ही वज़न में आप बादाम की गुड़िया मिला लेंगे। बादाम की गिरियों को बारीक करके वो इसमें मिला लें और उतनी ही मिकदार में, 1/3 मिकदार जो है वो मिश्री धागे वाली वो शामिल कर लें। रात को जिस दिन अजवाज के पास जाना, जौजा के पास जाना हो, आपने अपनी बेगम के पास जाना हो, तो उससे 2 घंटे पहले इसको एक आधा चम्मच पी लिया करें दूध के साथ, तो इसका आप अजीब रिजल्ट देखेंगे। दोबारा सुने, गोंद कतीरा और कीकर की गोंद को जैतून के तेल में हल्का सा ब्राउन कर लेंगे और उसमें उनके वज़न के हाफ डालेंगे मिश्री, एक बात। तीसरी अहम चीज़ जो है बादाम की गरियां डालेंगे, उनके हम वज़न। और चौथी चीज़ यह है कि आप डालेंगे इसमें खशखाश, तकरीबन उसका तीसरा हिस्सा, उस वज़न का तीसरा हिस्सा। ये 3 चीज़ें डाल के इनको ग्राइंड करके महफूज कर लें और जिस दिन आपने अपनी वाइफ के पास जाना हो तो आधा चम्मच, 1 चम्मच दूध के साथ पी लिया करें या पानी के साथ पी लिया करें और तो उसके 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद जौजा के पास जाएं, तो इंशाल्लाह ताला वो सारी रात नाचती रहे आपको, आप भी मज़ा लेंगे वो भी लेंगे। वो उसको बिठाएं, सारी रात इस्तेमाल करें, ये आपके टाइमिंग को भी बढ़ा देगा, आपके मज़े को भी बढ़ा देगा और औरत को भी लुत्फ आएगा। ये एक ऐसा नुस्खा है जो हम हुक्मा कम ही बताया करते हैं, ये वो बना के दे देते हैं चीज़ें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलें, लेकिन हम लोग आपके साथ मुफ्त में ये शेयर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और ये इंतहाई लाजवाब किस्म का टिप्स है जिससे आप भी लुत्फ़ उठाएंगे, आपकी बीवी भी लुत्फ़ उठाएगी। ये शादीशुदा अफराद के लिए है और ऐसा है कि जिसके जो है ना जितने भी फ़ायदे बयान किए जाए कम हैं, इसके बेपनाह फ़ायदे हैं। इसके अलावा ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है, जोड़ों के दर्द के लिए इंतहाई लाजवाब है। इसको आप इस्तेमाल करें, गोंद कतीरा और गोंद कीकर को ब्राउन करेंगे, उसमें उनके वज़न के बराबर डालेंगे बादाम की गरियां और उनके तीसरा हिस्सा डालेंगे मिश्री और उनका तीसरा हिस्सा डालेंगे जो है खशखाश, ब्रिक करके उनका पाउडर बना के रख लेंगे और जब भी ज़रूरत हो आपको उस दिन आप आधा चम्मच लेंगे पानी के साथ या नीम गर्म दूध के साथ, फिर मौजे ही मौजे हैं। तो अगर आपको बेहतर लगे तो इसको इस्तेमाल में लाएं, अगर बेहतर न लगे आपको, ये हो क्या, ये ठीक नहीं है, तो आप छोड़ भी सकते हैं। ये इंतहाई लाजवाब है, बहुत सारे दोस्त इस्तेमाल करते हैं इसको, ये हर उम्र के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे ही लगता है आदमी को जब ये इस्तेमाल करता है कि वो 18 साल का नौजवान है, उसमें बहुत टॉनिक फुल है और उसका जिस्म एनर्जेटिक हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इससे इस्तेमाल उठाएंगे और इस वीडियो को नौजवान, अधेड़ उम्र के लोग, बुज़ुर्ग वो ज़रूर देखेंगे और इसको शेयर करेंगे ताकि भरपूर जवानी का सही मज़ा लिया जा सके। थैंक्स।